प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके अध्यापिका आरती सेठी आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 11 है, जिसका शीर्षक है टेसु राजा बीच बाजार। तो बच्चों, टेसु के विषय में हम करेंगे बातचीत बाद में, पहले आइए कविता पठन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टेसु राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेसु राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हैं कंबल में खाने। इस अनार में कितने दाने, जितने हैं कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते तो समझते हैं ना आप सब, कपड़े। जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, गोपी के घर लत्ते कितने। कलकत्ते में कुत्ते जितने। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? आइए अब इस कविता को सुनते हैं एक बच्चे की आवाज़ में, जिसके पीछे अन्य बच्चे भी इसे दोहरा रहे हैं। आप चाहें तो आप भी इसे पीछे पीछे दोहराइए। तो चलिए सुनते हैं एक बच्चे की आवाज़ में। टेसु राजा बीच बाजार, टेसु राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, इस अनार में कितने दाने। जितने हो कंबल में खाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने। भेड़ भला क्यों लगी बताने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक झुंड में भेड़े कितनी। एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते। जितने गोपी के घर लत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, गोपी के घर लत्ते कितने। कलकत्ते में कुत्ते जितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, दाने वाला एक अनार। टेसु राजा कहे पुकार, टेसु राजा कहे पुकार। लाओ मुझको दे दो चार, लाओ मुझको दे दो चार। अरे वाह बच्चों, आप तो पीछे पीछे दोहरा रहे थे, क्यों ना एक बार इस कविता को सुने संगीत के साथ? तो चलिए इस कविता को संगीत के साथ सुनने का मजा लेते हैं। टेसु राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेसु राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार।
अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने। भेड़ भला क्यों लगी बताने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार, टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार, टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। तो बच्चों कैसी लगी ये कविता, थी ना मजेदार? कविता से पहले हमने बात की कि टेसू क्या होता है, क्या जानते हैं आप? चलिए हम करें टेसू के बारे में कुछ बातचीत। बच्चों यूं तो हमारे देश में अलग अलग कोने में अलग अलग रीति रिवाज और त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे देश के रीति रिवाजों के इतने रंग हैं कि इन सब को जानने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाए। हर कोने के अपने रीति रिवाज हैं, कुछ पूरे देश में मनाए जाते हैं और कुछ किसी खास समुदाय में, किसी खास क्षेत्र में। ऐसा ही एक त्यौहार है टेसू। यह वैसे तो पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, परंतु कुछ खास जगह पर इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे बुंदेलखंड, ग्वालियर, मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसे खूब धूमधाम से मनाते हैं। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है, टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। बांस की 3 खपचियों को बीच से बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। इस आकृति के एक छोर की खपचियों पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आँख, मुंह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। हाथों पर या खपचियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है। टेसू बाजार में बना हुआ भी मिलता है। लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते, पर टेसू की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं। फिर भी अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। तो बच्चों पता चला टेसू क्या होता है? टेसू मनुष्य की आकृति का एक खिलौना होता है, जिसे
शारदीय नवरात्रों में यानी दशहरे के दिनों में बच्चे घर घर लेकर घूमते हैं और गीत गाते हैं और साथ में घर घर जाकर अनाज और पैसे मांगते हैं। तो बच्चों, आपके क्षेत्र में भी कोई ना कोई ऐसा त्यौहार या ऐसी परंपरा मनाई जाती होगी। आप भी अपने माता पिता से ऐसी ही किसी परंपरा, ऐसे ही किसी रीति रिवाज के बारे में जानें और अपने अनुभव हमें लिख भेजें। आप अपने अनुभव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। और बच्चों, इन परंपराओं से जुड़े बहुत से लोकगीत भी हैं, तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं टेसू से जुड़े एक लोकगीत को। आप भी अपने क्षेत्र के ऐसे ही किसी लोकगीत को हमें लिख भेजें। तो चलिए सुनते हैं टेसू से जुड़ा एक लोकगीत। टेसुरा टेसुरा घंटार बजाइयो, टेसुरा टेसुरा घंटार बजाइयो, नौ नगरी दस गांव बसाइयो, नौ नगरी दस गांव बसाइयो। कैसा लगा आपको टेसू का ये लोकगीत? आप भी अपने क्षेत्र के लोकगीतों के बारे में जानें और हमें अपने लोकगीत लिख भेजें। तो बच्चों, आइए बढ़ते हैं अब खेल गतिविधियों की तरफ। हमारी पहली गतिविधि जिसका नाम है गिनत अनगिनत। बच्चों, कुछ चीज़ों को गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। आइए खेलें एक ऐसा खेल। आपके सामने कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जिन्हें गिना जा सकता है उनके सामने हाँ लिखें और जिन्हें नहीं गिना जा सकता उनके आगे नहीं लिखें। तो चलिए शुरू करें। अपने जवाब हाँ या नहीं में लिखें। कंबल के खाने, सिर के बाल, घर के लोग, चींटी के पैर, कमीज के बटन, पेड़ के पत्ते, आसमान के तारे, कॉपी के पन्ने, अपने कपड़े, स्कूल के बच्चे। बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की तरफ जिसका नाम है आपका अंदाज़ा। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। कविता में ये पंक्तियाँ आई हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच में अनार में इतने दाने होते हैं? शाबाश, सही बताया।
एक अनार में इतने दाने नहीं होते। अंदाजे से बताएं, एक अनार में कितने दाने होते होंगे? हाँ, शाबाश, सही बताया, 400 से 500। एक मटर में कितने दाने होते होंगे? शाबाश, सही बताया, 7 से 8। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे, सोचिए और लिखिए। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे, अपना जवाब लिखिए। मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि आपका अंदाज़ा कितना सही था। आइए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की तरफ। अगली गतिविधि का नाम है कवि बन जाओ आप। बच्चों, दी गई कविता को ध्यान से पढ़ें। अब आप इस कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करें। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब इसे आप आगे बढ़ाइए। जैसे दो लाइन मैं जोड़ती हूँ, कलकत्ते में कुत्ते कितने, मेरे सिर पर बाल हैं जितने। अब आगे, मेरे सिर पर बाल हैं कितने, बढ़ाते जाइए। तो बच्चों, पूरी करें ये कविता। बढ़ते हैं अगली गतिविधि की तरफ। अगली गतिविधि का नाम है किसके नाम। हमारी कविता में पंक्तियाँ थी, टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब हाँ फल हैं। अब आप दिए गए नामों को बताएं, ये क्या हैं? कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये सब किसके नाम हैं? शाबाश, ये महानगरों के नाम हैं। भेड़, बकरी, हाथी, ये सब किसके नाम हैं? अरे वाह, सही बताया, ये सब जानवरों के नाम हैं। कमीज, कुर्ता, साड़ी, ये सब किसके नाम हैं? शाबाश, ये सब कपड़ों के नाम हैं। कपड़ों को परिधान भी कहते हैं, यानी पहनावा। मोर, कबूतर, उल्लू, शाबाश, सही बताया, ये सब पक्षी हैं। आलू, बैंगन, भिंडी, हाँ ये सब्जी है। तो बच्चों, इन्हीं गतिविधियों के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। आप इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें और ऐसी ही कोई कविता लिखने की कोशिश कीजिए और हमें लिख भेजें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।